भारत दौरे पर आए फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद का आईएसआईएस को लेकर कड़ा बयान, आतंकवादी संगठन के खिलाफ लड़ाई के लिए हर कोशिश में जुटा हुआ है फ्रांस। राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कही और कहा कि मोदी ने निभाई है अहम भूमिका। राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत समारोह का आयोजन, प्रधानमंत्री समेत तमाम दिग्गज नेता रहे मौजूद। इसके बाद राजघाट पहुंचे फ्रांसवा ओलांद, महात्मा गांधी की समाधि पर चढ़ाए फूल। राष्ट्रपति ओलांद ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की, फिर हैदराबाद हाउस में ओलांद मोदी की द्विपक्षीय वार्ता, कई अहम समझौतों पर होंगे दस्तखत। वाइट प्लेन राफेल डील पर अब तक नहीं बनी बात, सिर्फ प्रोटोकॉल अग्रीमेंट के ऐलान की उम्मीद, देर रात तक चली है बातचीत। शाम 4 बजे गुड़गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ सोलर अलायंस सेक्रेटरिएट का करेंगे उद्घाटन, दोनों का होगा भाषण। सूत्रों के अनुसार शाम 6 बजे उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ताज होटल में ओलांद से करेंगे मुलाकात, शाम 6:30 बजे सोनिया गांधी से मिलने का है कार्यक्रम। सूत्रों के अनुसार राष्ट्रपति भवन में ओलांद को दिया जाएगा भोज, 7:30 बजे का तय किया गया है वक्त। गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि हैं राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद, पहली बार राजपथ की परेड में शामिल होंगे फ्रांस के जवानों की टुकड़ी। दिल्ली में होटल ताज पैलेस की सुरक्षा में कड़ा पहरा, आसपास जिनके घर हैं उन्हें ही उनके इलाकों में जाने की है सिर्फ इजाजत। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली की सुरक्षा हाई अलर्ट पर, लेकिन बॉर्डर इलाकों में ढीली दिखी पुलिस चौकसी, कई जगह नजर नहीं आई पुलिस। गणतंत्र दिवस को लेकर जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट, श्रीनगर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती। लाल चौक और आसपास के इलाकों में लगातार चल रही है तलाशी, बख्शी स्टेडियम में कड़ा पहरा। जम्मू कश्मीर के सांबा में भी आतंकवादी हमले को लेकर अलर्ट, 26 जनवरी को बढ़ाई गई सुरक्षा। हैदराबाद में पकड़े गए संदिग्धों के बयान से सुरक्षा एजेंसियों के उड़े होश, 2 दोस्तों के बगदादी की फौज में शामिल होने का हुआ खुलासा। गिरफ्तार 4 IS संदिग्धों से पूछताछ में सनसनीखेज खुलासा, सीरिया में IS के लिए लड़ रहे हैं 2 भारतीय। हैदराबाद के 2 सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल IS में शामिल हुए, मेहदीपट्टनम इलाके के रहने वाले हैं दोनों, दुबई और सिंगापुर से होकर पहुंचे हैं सीरिया। ISIS संदिग्धों पर बगदादी से संपर्क में होने का शक, बगदादी के आदेश पर काम करने की आशंका। देश को दहलाने की साजिश में अब तक ISIS से जुड़े 12 संदिग्धों की पटियाला हाउस अदालत में पेशी, 5 फरवरी तक NIA कस्टडी में भेजा गया। जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिले से लश्कर ए तैयबा का एक आतंकवादी गिरफ्तार, AK-47 राइफल समेत 60 जिंदा कारतूस और ग्रेनेड हुए बरामद। महाराष्ट्र ATS का बड़ा खुलासा, महाराष्ट्र समेत देश के 10 राज्यों में बढ़ रहा है ISIS का प्रभाव, खतरे से किया गया आगाह। महाराष्ट्र में ISIS के बढ़ते असर को लेकर शिवसेना ने फडणवीस सरकार पर साधा निशाना, सरकार ने नहीं की कार्रवाई तो सीरिया बन जाएगा महाराष्ट्र। पठानकोट हमले को लेकर जैश ए मोहम्मद के प्रमुख अजहर मसूद से संयुक्त पूछताछ के भारतीय प्रस्ताव को पाकिस्तान ने किया इनकार, पाकिस्तानी अखबार नेशन के हवाले से खबर। सूत्रों के अनुसार 2 जनवरी के पठानकोट हमले के बाद प्रोटेक्टिव कस्टडी में रखा गया है मसूद, कई संदिग्धों की गिरफ्तारी, जैश के कई मदरसों को किया जा चुका है बंद। 26 जनवरी की सुरक्षा सतर्कता के बीच गाजियाबाद में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, तलाशी के दौरान बैरिकेड तोड़कर भाग रहे थे बदमाश। गाजियाबाद के गोविंदपुरम इलाके का वाकया, पुलिस चेकिंग के दौरान एक कार को रोका था, इसी दौरान मुठभेड़ हुई। देर तक मची अफरा तफरी के बाद पुलिस एक बदमाश को दबोचने में रही कामयाब, अंधेरा का फायदा उठाकर भाग निकला दूसरा। गिरफ्त में आए बदमाश से पिस्टल बरामद, पुलिस कर रही पूछताछ, उद्देश्य जानने की कोशिश। तेजी से उस गाड़ी को राइट साइड में मोड़ करके फायरिंग करते हुए वहां पे भागने का प्रयास किया, एक बदमाश को वहां से अरेस्ट किया है जिसके पास से असला और भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद हुए। जम्मू कश्मीर में सरकार के गठन को लेकर महबूबा मुफ्ती ने दिए नए संकेत, भाई को लाना चाहती हैं राजनीति में।
पारिवारिक सूत्रों के हवाले से खबर, भाई तस्तक मुफ्ती को राजनीति पर लाने पर गंभीरता से विचार, खुद पार्टी संभालना चाहती हैं महबूबा। अगले हफ्ते सरकार गठन के फॉर्मूले को लेकर अमित शाह से मुलाकात कर सकती हैं महबूबा, इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी से भी मिलने का है उनका कार्यक्रम। अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन को लेकर राष्ट्रपति से मिलेंगे केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, कैबिनेट दे चुकी है मंजूरी। राष्ट्रपति शासन के फासले पर अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस इंचार्ज नारायण स्वामी का कड़ा ऐतराज, पार्टी तोड़ने की कोशिश में जुटी है बीजेपी। एक बार फिर से बीजेपी अध्यक्ष का कार्यभार संभालने के बाद अमित शाह की पश्चिम बंगाल पर टिकी नजर, दोपहर 2 बजे हावड़ा में करेंगे रैली। देर रात अमित शाह लाल कृष्ण आडवाणी से मिलने उनके घर पहुंचे, सूत्रों के अनुसार अटल बिहारी वाजपेयी मुरली मनोहर जोशी से भी करेंगे मुलाकात। कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर मुलायम सिंह यादव ने दिया बड़ा बयान, कहा 25 साल पहले अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवाने का है दुख, लेकिन धर्मस्थल को बचाना भी था जरूरी। मुलायम ने एक बार फिर से अखिलेश सरकार के कुछ मंत्रियों को लगाई फटकार, कहा पैसा कमाना है तो राजनीति छोड़कर करें बिजनेस। मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी की सभा में प्रलोभन देकर जुटाई गई महिलाओं की भीड़, सभा में पहुंची महिलाओं ने किया खुलासा। रोहतक में संघ नेता इंद्रेश गवार ने दिया विवादित बयान, कहा सलमान खुर्शीद, आजम खान, ओवैसी के पूर्वजों के भी ईश थे भगवान राम, अपराध बोध से मुक्त होने के लिए मंदिर निर्माण में दे सहयोग। इंद्रेश कुमार ने विवादित स्थल पर धर्मशाला निर्माण के सुझाव को बताया बकवास, अपराध बोध से मुक्त होने के लिए मंदिर निर्माण में साथ देने की बात कही। हैदराबाद में ओवीसी का भड़काऊ भाषण, गांव म्युनिसिपल चुनाव में हारी एमआईएम तो बीफ खाना हो जाएगा मोहाल। राहुल गांधी पर समाजवादी नेता आजम खान का तंज, कहा बच्चों के साथ खाएं राहुल टॉफी। राजस्थान के भरतपुर में जाट आरक्षण संघर्ष समिति के तत्वाधान में जाट महापंचायत, 13 फरवरी को होगी होमकार रैली। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फहराया तिरंगा, अपने भाषण में केंद्र सरकार पर साधा निशाना। हैदराबाद में दलित छात्र की मौत पर केजरीवाल का भाषण, अंबेडकर की राह पर चलना बना देशद्रोह। दिल्ली में भी रोहित की मौत को लेकर एनएसयूआई का प्रदर्शन, स्मृति ईरानी के खिलाफ की नारेबाजी। विपिन श्रीवास्तव को हैदराबाद यूनिवर्सिटी का केयरटेकर वीसी बनाए जाने से नाराज हैं छात्र, श्रीवास्तव उस कमेटी के प्रमुख थे जिसने छात्रों को निकालने के लिए की थी सिफारिश। छात्रों के साथ धरने पर बैठी रोहित की मां बीमार, अस्पताल में कराया गया भर्ती। हैदराबाद में रोहित की मौत पर छिड़े घमासान के बीच छुट्टी पर गए विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर अप्पा राव। हैदराबाद विश्वविद्यालय के अंतरिम उपकुलपति विपिन श्रीवास्तव ने आज तक से कहा कोशिश यही आज से यूनिवर्सिटी में शुरू हो पठन पाठन। थम नहीं रहा रोहित विमुला की मौत पर छिड़ा घमासान, मुंबई में रोहित के समर्थकों की एबीवीपी कार्यकर्ताओं से हुई झड़प। हैदराबाद के दलित छात्र की आत्महत्या के विरोध में मुंबई में एनसीपी नेता जितेंद्र अहवाल का धरना प्रदर्शन, समर्थकों के साथ काली पट्टी बांधकर किया विरोध। रुड़की में बीते दिनों 4 आतंकवादियों की गिरफ्तारी के बाद लंढौरा में अरबी मदरसे के नाजिम का फरमान, छात्रों के मोबाइल इस्तेमाल पर प्रतिबंध, सोशल साइट का इस्तेमाल भी रोका। राजस्थान के सीकर में आरोपी को पकड़ने गई पुलिस को गांव वालों ने बनाया बंधक, 6 पुलिस वालों की बिठाई, छीन लिए गए हथियार। बिहार के गया में छेड़छाड़ पीड़ित ने की आत्महत्या की कोशिश, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के उत्तम नगर में एक संस्था पर अश्लील डांस कराने का आरोप, राज्य के स्थापना दिवस समारोह का था मौका। दिल्ली के अमर कॉलोनी इलाके में लुटेरों ने कुरियर कंपनी के कर्मचारी की हत्या कर दी, नेहरू प्लेस जा रहा था कर्मचारी। राजधानी एक्सप्रेस में महिला से छेड़खानी के आरोपी जेडीयू विधायक सरफराज आलम गिरफ्तार, बाद में थाने में मिली जमानत। बिहार के दरभंगा में हुई 2 इंजीनियर्स की हत्या के केस में आरोपी मुकेश पाठक और उसके साथी निकेश के घर पर छापे, पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई को भी दिया अंजाम। मध्य प्रदेश के हरदा में पीसीएस परीक्षार्थियों को करना पड़ा गहन तलाशी अभियान का सामना, नकल की रोकथाम के लिए परीक्षा से पहले जूते तक उतरवाए। अजमेर पुलिस के हत्थे चढ़ा नकल करने वाला गिरोह, जेल प्रहरी परीक्षा में था सक्रिय, 50 आरोपियों से 26 मोबाइल बरामद। कानपुर की एक महिला ने अपने तलाकशुदा पति को फंसाने के लिए देश विरोधी गतिविधि में शामिल होने का लगाया आरोप, जॉर्डन मूल के आरोपी से पूछताछ में खुलासा।
दिल्ली पुलिस ने शाबा डेयरी इलाके में हत्या के दो आरोपियों को किया गिरफ्तार। चार में से तीन हुए हैं गिरफ्तार। आगरा में 50 लाख रुपए की लूट के चार गिरफ्तार। 29 लाख रुपए कैश बरामद। विशाखापट्टनम में डेक्कन केमिकल फैक्ट्री में लगी आग, लाखों का नुकसान। गया में एक महिला ने छेड़खानी से परेशान होकर आत्महत्या की कोशिश की, अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती। सूरत में एक बिल्डिंग से 5 साल के बेटे के साथ महिला ने लगा दी मौत की छलांग, दोनों की मौके पर ही हो गई मौत। राजस्थान के भीममाल में पेट्रोल से भरे दो टैंकर्स में लगी आग, पेट्रोल की टंकी में तेल डालते वक्त हुआ यह गंभीर हादसा। बिहार के बगहा में कैब बैंक के कैशियर से 20 लाख रुपए की लूट का पर्दाफाश, एक गिरफ्तार, 10 लाख रुपए बरामद। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में मदनपुर इलाके से 6 शिकारियों की गिरफ्तारी, 2 बाघों की खाल बरामद। राजस्थान के धौलपुर में आबकारी विभाग ने नकली शराब फैक्ट्री पर मारा छापा, बड़ी मात्रा में अवैध शराब पकड़ी गई। सोनीपत के खरखोदा की जहरीले धुएं से एक परिवार के 3 लोगों की मौत, वाल्मीकि कॉलोनी में हुआ यह हादसा। राजस्थान के भरतपुर में कोहरे की वजह से हादसा, 2 की मौत, 8 घायल। जम्मू कश्मीर में सर्द मौसम का सितम जारी, कोहरे के साथ जबरदस्त पड़ रही है ठंड। जम्मू कश्मीर में सर्दी के साथ साथ कोहरे का कहर, जम्मू पंच हाईवे पर गाड़ियों को चलाना हुआ मुश्किल। हिमाचल में भी फिलहाल ठंड से कोई राहत नहीं, बर्फबारी से और गिर गया तापमान। उत्तर भारत में भी ठंडी हवाओं से गिर रहा है लगातार तापमान, मौसम विभाग के अनुसार अभी कुछ दिन और रहेगी ऐसी ही जबरदस्त ठंड। कानपुर में घर में घुसकर महिला के साथ गैंगरेप, पुलिस ने पहले दिन शिकायत दर्ज करने से किया था इनकार। मीडिया में खबर आने के बाद दर्ज हुई शिकायत, दरोगा को किया गया लाइन हाजिर। सिलीगुड़ी में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दौरे से लोगों की परेशानियां, एयरपोर्ट पर 4 घंटे पहले यात्रियों को पहुंचने के लिए भेजे गए SMS, साइकिल मार्च का उद्घाटन करने आ रही है ममता। ठाणे में मंदिर की दान पेटी से चोरी, नकद और गहने लेकर फरार हुए पति पत्नी, CCTV में कैद। यूपी के हरदोई में शौचालय के नाम पर खानापूर्ति, कई लोग रहने के लिए कर रहे हैं इस्तेमाल। औरंगाबाद के मदनपुर इलाके में जंगली हाथियों ने मचाया उत्पात, किसानों की फसल बर्बाद, मुश्किल से खदेड़ा जा सका है झुंड। लखीमपुर खीरी के दुधवा नेशनल पार्क में मिला हथिनी का शव, 24 दिसंबर को एक हाथी भी मरा हुआ मिला था। केरल के कोझिकोड में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन, ब्राजीलियन फुटबॉलर रोनाल्डिन्हो ने किया उद्घाटन। जुहू के PVR में शाम 5:30 बजे आमिर खान करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिल्म रंग दे बसंती के 10 साल पूरे होने का अवसर। गंगा आरती की तर्ज पर पुरी में भी सजा दीपों का मेला, संतों की मौजूदगी में हुई सागर आरती। ISIS ने जारी किया पेरिस हमले के हमलावर आतंकवादी का वीडियो, पिछले साल नवंबर में हुआ था हमला। भूकंप के झटके से लूटा अमेरिका के दक्षिण अलास्का का इलाका, 7.3 तीव्रता का भूकंप, जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। चीन में बर्फबारी की आफत, लेकिन ताइवान प्रांत में लुफ्त उठाते दिखे सैलानी। हांगकांग में सर्दी ने तोड़ा 60 सालों का रिकॉर्ड, दोपहर के वक्त भी 3 डिग्री सेल्सियस रहा है तापमान। फिलीपींस की मिस यूनिवर्स पिया अलोंजो मनीला में जागरूकता मिशन पर निकली, लोगों को HIV टेस्ट के लिए कर रही हैं प्रोत्साहित और जागरूक। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में अब कलम के साथ हथियार भी थामेंगे शिक्षक, आतंकवादी हमलों के मद्देनजर शिक्षकों को दी जा रही है हथियार चलाने की ट्रेनिंग। बर्फीले तूफान के बाद वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर सफाई अभियान, कई इलाकों में 2 फीट तक मोटी बर्फ की चादर है जमी। अमेरिका के वाशिंगटन DC में बर्फबारी के बीच लोगों ने मौज मस्ती की, फिलाडेल्फिया में भारी हिमपात की तस्वीरें सामने आई, स्नो एमरजेंसी लागू। अमेरिका के वर्जीनिया में फेयरफैक्स इलाके में घर में आग, दमकल कर्मियों को काबू में करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी। जापान में भारी बर्फबारी, कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम, सड़कों से हटाई जा रही है बर्फ। लेकिन प्रेसिडेंट भारत की भूमिका की सराहना कर रहे थे, काफी क्रेडिट भारत को दे रहे हैं। गुरदास्त कश्ती माफ करिए पाकिस्तान से भारत।